एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ श्रम कार्ड ई केवाईसी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रोम पर जाएंगे। दोस्तों क्रोम पर सर्च करेंगे हम ई श्रम कार्ड। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों ई श्रम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है रजिस्टर ऑन ई श्रम के नीचे अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों है थ्री लाइन पर जाएंगे। उसका दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर लिखा अपडेट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल, उसका दोस्तों यहाँ पे अपना ई श्रम कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो है डालेंगे। उसका दोस्तों कैप्चा कोड डालेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी डालेंगे यहाँ पे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर, उसका दोस्तों ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों कैप्चा कोड डालेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालेंगे। उसका दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है अपडेट ई केवाईसी इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन है, नंबर एक अपडेट प्रोफाइल, उसका दोस्तों डाउनलोड यूएन कार्ड। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों सबसे नीचे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्रीव्यूज प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों आपकी डिटेल्स हो जाएगी। दोस्तों आपको चेक करना जो आधार कार्ड में वही डिटेल है या नहीं। अगर दोस्तों क्योंकि ऐसा होता है आधार कार्ड में हम कुछ डिटेल चेंज करते हैं तो इसलिए दोस्तों ई केवाईसी करनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों सबसे ऊपर जाएंगे, अपना नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज चेक करेंगे। आधार कार्ड में वही वाला है या दूसरा है। जैसे दोस्तों आपके आधार कार्ड वाला नाम, उसका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, उम्र, दोस्तों एड्रेस, सब कुछ चेक करने के बाद जैसे दोस्तों आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं।